I am Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. Today I am going to discuss that during pregnancy, few things are to know that those are not actually correct thing, and any pregnant woman should understand these things. So first of all, कि during pregnancy हमें ज़्यादा खाना होता है because I am carrying baby, so they count, pregnant female count herself and baby as a 2 person. So मैं ये बता दूँ कि सबसे पहली बात कि आपको डबल नहीं खाना है, इट्स अ मिथ, ठीक है। इसमें क्या करना है, फर्स्ट 3 मंथ्स में एक्चुअली हार्मोन की इतनी बम्बार्डिंग हुई रहती है, प्लेसेंटल हार्मोन और डिफरेंट जो मदर के ग्लैंड्स होते हैं उसमें भी बहुत हार्मोनल मिलियू पूरा चेंज हुआ रहता है। तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में फर्स्ट 3 मंथ में तो मदर को सेट करने में लगता है, ऐसे यू फील कॉन्स्टिपेटिंग, नॉजिया, वॉमिटिंग, इस तरह के ये सारे स्मेल आना, खाने में जो नॉर्मली पहले आपको अच्छा लग रहा था उसमें स्मेल आना, भूख थोड़ी कम हो जाना, लेथार्जी, ये सब सारे जो हम लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, ये चीज़ें वाकई होती हैं। एंड दोज आर एक्चुअली इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स, जो बॉडी में इतना केमिकल चेंजेज हो रखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट 3 मंथ्स उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। सो पहले 3 मंथ्स में अगर हम बोले तो कोई एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे नॉर्मली पहले खा रहे थे प्री प्रेग्नेंट स्टेटस में उसी तरह से आपको खाना है, ठीक है। थोड़ा फ्रिक्वेंट आप खा सकती हैं क्योंकि आपके बॉडी में, आपके जीआई सिम्टम्स में भी कुछ फूड पाइप और फूड पाइप से रिलेटेड खाने पीने से संबंधित सिस्टम में भी कुछ बदलाव होते हैं, तो आपको फ्रिक्वेंट खाना है, स्मॉल क्वांटिटी में खाना है, बट ज़्यादा नहीं खाना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसा कि मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि 13 वीक्स ऑनवर्ड अप टू द 28 वीक्स इज कॉल्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको 300 कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है एबव नॉन प्रेग्नेंट कैलोरीज। नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में आपके बॉडी वेट और हाइट के हिसाब जितनी कैलोरी आपको चाहिए उससे 300 एक्स्ट्रा आप डाइटिशियन से मिलेंगे, वो कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि आपको ऐसे ऐसे इतने क्वांटिटी में ये सब सारी चीज़ें खानी है, तो आपका इतना कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा होगा, ठीक है। और अगर ट्वीन कैरी आप कर रहे हो तो आपको उसका डबल कर देना है, मतलब 600 कैलोरी आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यही चीज़ें ड्यूरिंग लैक्टेशन, पोस्ट डिलीवरी 550 हो जाती हैं, ठीक है। दो बेबी को फीड कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको थोड़ी कैलोरी का रिक्वायरमेंट बढ़ाना होता है। तो ये मिथ है कि हमें डबल क्वांटिटी में खाना है, और खाना कैसे है, जब आपको भूख लगे तभी खाना है, ठीक है। और आपको ऐसा इतना भी नहीं खा लेना है, इतना स्टफ नहीं कर लेना है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बेबी ग्रो कर रहा है, उम्ब उसका वो ऑलरेडी आंतों को थोड़ा सा साइड में स्लिप करके अपनी जगह बना रहा है, और उस पर से आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो थोड़ा सांस लेने में स्पेस, डायफ्राम के मूवमेंट को थोड़ा कम स्पेस बचता है, तो उसमें आपका ब्रेथलेसनेस कई बार बढ़ने लगता है। तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होना है, आपको बार बार इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कैलोरी एक्स्ट्रा खाना है सेकेंड ट्राइमेस्टर से, और भूख लगने पर खाना है, उसको स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड कर दो, जो एक बार में आप लेते हो उसको 2 बार में डिवाइड कर दे, क्योंकि ये आपका बॉडी विल टेल इटसेल्फ कि नहीं, इतना खाने के बाद मुझे दिक्कत हो रही है, वॉक करने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं एक्वायर कर पा रही हूँ, खाने के बाद किसी पोजीशन में आपको कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, ऐसा आपको इतना स्टफ करके नहीं खाने की ज़रूरत है। और क्या चीज़ें हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, बहुत बार देखा, मैं अपने सारे गर्भवती महिला जो भी आती हैं हमारी पेशेंट्स, उनको बोलती हूँ कि आप अपने दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं करें अनटिल अनलेस कि आपको बताया जाए, अल्ट्रासाउंड कह रहा है या आपका प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, जो प्रेगनेंसी के पहले कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, ठीक है, वो आपका एग्जैजरेट ना हुआ हो प्रेगनेंसी के दौरान, और या फिर आपको ऐसा अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी फाइंडिंग या बेबी को ग्रोथ को लेकर, या फिर अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो गई है, बहुत सारी बातें होती हैं, प्लेसेंटा अवल नाल नीचे है, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो कि पहले के वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो वैसा कुछ सिचुएशन जब तक आपको देखकर, आपको असेस करके, आपको आपकी हिस्ट्री लेकर, आपको आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके, आपके लैब टेस्ट करा के, आपका अल्ट्रासाउंड करा के डॉक्टर एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता है कि हाँ ठीक है ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर ये बोलते हैं कि नॉर्मल ऑनगोइंग प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको एक्टिविटी कोई रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो जॉब कर रही है लेडी वो जॉब करे, वो डिसकंटिन्यू नहीं करे, और जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, हाँ एक्सरसाइजेज का है कि जो पहले आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे थे, जिम कर रहे थे, उसके लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन लेना होगा और क्या कर सकते हैं वो आपको बताया जाता है, वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली आप जितना नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान जितना एक्टिव रहता है उतने एक्टिव रहने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको एक्टिव रहना है। अगर आपको जो भी आपको वॉट एवर वर्क इज बीइंग असाइन टू यू, जो आपको करना है, जिस चीज के लिए आप हैं वो आप काम करें। घर में भी अपने को बेड पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। बेड पे रेस्ट्रिक्ट करने से, ये भी मैंने बहुत बार बताया है कि आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपके धमनियों में बहने वाला जो ब्लड है उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केमिकल चेंजेज की वजह से उसमें थक्का बनने की टेंडेंसी होती है। आप इमेजिन करें, खून अगर थक्का बन जाएगा तो उस पार्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो ये ऑलरेडी प्रेगनेंसी इज हाइपर, उसको कहते हैं हाइपर कोएगुलेबल, मतलब थक्का बनने की टेंडेंसी को हाइपर कोएगुलेबल स्टेटस कहते हैं। ये ऑलरेडी प्रेगनेंसी में होता है, उसमें आप बेड रेस्ट्रिक्ट कर लेंगी तो बेड रेस्ट्रिक्शन से, इमोबिलिटी से, कम मूवमेंट करने से खून का थक्का बनने का प्रोसेस बढ़ जाता है। तो आप एक्चुअली इस चीज को बढ़ा रही हैं। ये बेबी के ग्रोथ को, इवन बेबी के लिए जानलेवा भी हो सकता है खून का थक्का बनना, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसके सिस्टम्स कैसे डेवलप होंगे, बेबी का ग्रोथ कैसे होगा। तो दूसरा मिथ ये है कि आप जैसे चल रही थी, कई बार देखा है कि जैसे ही प्रेगनेंसी हम बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, उनका गेट चेंज हो जाता है। गेट मीन्स कि वो बहुत स्लोली चलने लगती है, स्लोली बात करना शुरू कर देती है। इट्स नॉट लाइक दैट, ये टोटल मिथ है। आप अपना एक्टिव रहिए, वैसे ही रहिए। ठीक है, और क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप से कुछ महिलाएं होती हैं, नॉर्मल बोलते हैं कि नॉर्मल ऑनगोइंग प्रेगनेंसी है, लेकिन अगर आप एक्टिविटी करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, आप पहले से जिम कर रही होती हैं, विगरस एक्सरसाइज करती रहती हैं, तो यू जस्ट डोंट एज्यूम कि आपको ये सब सारे कंटिन्यू करने हैं। नहीं, यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस फॉर दैट कि आपको इतना ही लिमिट करना है, उतना ही लिमिट करना है। बिकॉज क्या होता है कि आपको ये बात जाननी होगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सारे लिगामेंट्स, टेंडन, मसल सबको रिलैक्स करने के लिए जो नॉर्मल हार्मोन हम जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सिन। नाम है हार्मोन का ये, रिलैक्सिन। माइंड इट, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्स है, ये सारे लिगामेंट्स ज्वाइंट को रिलैक्स कर देता है। सो आपको हम बोलते हैं कि नॉर्मल आप एक्टिविटीज करो, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू स्टार्ट डूइंग वॉट एवर जिम एक्सरसाइज एंड विगरस एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग आप ये जो कर रहे थे प्रेगनेंसी के पहले, यू हैव टू डू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन आपके बॉडी में पोर करना शुरू हो गया है, आपके लिगामेंट्स ज्वाइंट्स रिलैक्स्ड हैं। रिलैक्स में आप अनड्यू अगर आप एक्टिविटी करती हैं तो कई बार क्या होता है कि अननोइंगली, विदाउट नोइंग, वो टेयर हो जाता है, कुछ हो जाता है उसमें, या परमानेंट लेंदेनिंग हो जाती है जो कभी अपने शेप में वापस नहीं आ पाता है। और ये पोस्ट डिलीवरी, फिर जब रिलैक्सिन हार्मोन बॉडी में नहीं रहता है उसके बाद उसके पोस्ट इफेक्ट दिखने लगते हैं, सीवियर बैक एक, लेग क्रैम्प्स, और ये डिफरेंट जॉइंट्स में पेन और बहुत परेशानी हो जाती है आपको। रिपीटेडली मस्कुलोस्केलेटल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इसके साथ आपका इवन न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी आपको रश करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो एक्टिविटी, आपको एक्टिव रहना है, लेकिन कितना एक्टिव रहना है, ये इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं, दिमाग में चलते रहते हैं, ये इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होता है कि एक चीज़ की रेस्ट को लेकर, स्लीप टाइम को लेकर बहुत ये होता है कि हमें कितना सोना है इतना ज़्यादा कि इतना ही सोना है कि जितना कैल्शियम। एक्चुअली जब आप स्लीपिंग मोड में होते हो तो बोन्स का बनना, मसल्स का बनना, ये चीज़ें थोड़ी एक्सपेडाइट होती हैं बच्चे में, ठीक है। आप जब सोते हो तो आपके सिस्टम ऑलमोस्ट थोड़ा बेसल लाइन में होते हैं, तो सारी एनर्जी जो होती है बेबी की तरफ डाइवर्ट होती है। ये बात प्रैक्टिकली वी कुड थिंक, है ना, कि हमारा जब, चूंकि बेबी का सारा न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन वॉट एवर इज नीड, बेबीज नीड, बेबीज आर गेटिंग दोज फ्रॉम मदर्स ब्लड ओनली, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब मदर रेस्ट में होती है उस टाइम उसके सारे सिस्टम को, जब कम एनर्जी की, जब सोते हैं तो हमारे सिस्टम्स एक्टिव उतने नहीं होते हैं, एक बेसल लेवल पे उनकी लाइफ चलनी होती है, ठीक है। तो BMR उसमें मदर का बहुत कम होता है, तो ये हेल्प करता है सारे फ्यूल्स को या न्यूट्रिशन जिसको कह लें और ऑक्सीजन को डाइवर्ट करने में बेबी की तरफ, तो इससे बेबी का ग्रोथ होता है। ये रात का 8 घंटा और दिन में 2 घंटा, या रात में अगर ज़्यादा आप सोती हैं तो उसी हिसाब से दिन में आपको कम सोने की ज़रूरत है। रात में 10 घंटे आपने स्लीप पूरा कर लिया, तो प्रेगनेंसी में यूजुअली 6 से 7 घंटा नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नींद होती है, उससे 2 से 3 घंटा ही ज़्यादा सोना होता है। अब वो आप कैसे बैलेंस करती हैं, डिपेंड्स अपॉन यू आर वर्किंग लेडी और यू आर हाउस इंजीनियर, ठीक है ना, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कि आपको जानना होता है। कुछ चीज़ें और, एक और क्या चीज़ होती है कि ब्रेथलेसनेस को लेकर हो जाता है, ठीक है। ब्रेथलेसनेस की पेशेंट को कि मुझे आजमा तो नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी में, ये भी बहुत मिक्स होता है। पेशेंट बहुत परेशान कि मैडम मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ब्रेथलेस हो जाती हूँ, कई बार बैठे बैठे भी हो जाती हूँ। नो डियर, इट्स नॉट आजमा। अगर आपको पहले हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, यू हैड नॉट बीन इन आजमैटिक इन प्री प्रेगनेंसी कंडीशन, प्री प्रेगनेंसी टाइम, सो आपको ये न्यू ऑनसेट का जो लग रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, ये आप आजमा में तो आगे चल के, ये भी क्वेश्चन होता है कि मैडम अभी जो मुझे ब्रेथलेसनेस हो रहा है ये आगे चल के फिर मुझे आजमा में तो नहीं ये हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप एनीमिक हैं, हाइपोप्रोटीनेमिक हैं, ठीक है, क्योंकि एनीमिया है, तो एनीमिया में रेड सेल कम होते हैं, रेड सेल ही ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो आपका ऑलरेडी कम है, तो और बेबी को भी चाहिए ग्रोथ के लिए, तो आपको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो उस समय आप फील करते हो कि बहुत जल्दी जल्दी मैं सांस लूँ, बहुत जल्दी जल्दी सांस लूँ, ठीक है। तो ये आपको ब्रेथलेसनेस की तरह लगता है, क्योंकि बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि अगर आप ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं कर पा रहे तो फास्ट आप ब्रीदिंग करोगे, ठीक है। तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एजमेटिक पोस्ट डिलीवरी, ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो आपको एनीमिया के लिए डॉक्टर चेक करेंगे, प्रोटीन के लिए चेक करेंगे, ओवरऑल आपका हेल्थ चेक करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बैठे बैठे भी बेबी उस टाइम बहुत मूवमेंट कर रहा है, या बेबी के सेल्स बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं और आप बैठे हो, उस समय सारा पुल हो जाता है, एनर्जी बेबी की तरफ डाइवर्ट होता है। तो उसमें उस टाइम भी आपको, जब बेबी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और आप तो आप बैठे बैठे भी थोड़ा सा आपको ब्रेथलेसनेस हो सकता है, जो कि ट्रांजिएंट होता है। यू आर नॉट गोइंग टू बी एजमेटिक पोस्ट डिलीवरी। तो कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, लेकिन ये कुछ मिथ्स हैं जो जनरली कॉमनली वी सी इन OPDs। इस तरह के क्वेश्चंस पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ पूछती हैं, तो हमें लगा कि ये दैट शुड बी दिस पार्ट्स शुड बी क्लियर्ड, और इस पे एक मैं वीडियो बनाऊँ। सो आज के इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।